आज एंजाइटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग एक बड़े विचित्र दौर से निकल रहे हैं आज कोविड के टाइम पे, जहां किसी को कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। हर कोई जो है वो चिंतित है। अगर कोई चिंतित ना है, नहीं है, तो वो भी गलत है। अगर कोई है तो वो भी गलत है। और कोई व्यक्ति जो है वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा है, और उसको ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि कल जो पूरी चीजें हैं वो किस रूप में बैठेंगी। रोज जो है उसका मित्र मंडल उसको व्हाट्सएप पे नए अपडेट्स दे रहा होता है। भारत सरकार की भी बहुत सारी जो है वो एडवाइजरीज आ रही होती हैं। उसका दिमाग और मन भी बहुत कुछ कह रहा होता है। कल क्या होगा, इस चीज को समझ पाना उसके लिए जो है बहुत कठिन होता चला जा रहा है। जब आपको कल इतना अनसर्टन लगे मन में भय पैदा होना हो। उस भय का जो नेट रिजल्ट है वो होता है कि आपकी जो पूरी अंदर की मेटाबॉलिक सिस्टम है जो शरीर का वो गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। आपके जो बिहेवियर पैटर्न है वो गड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने शुरू हो जाते हैं। आप भविष्य को सकारात्मक रूप से देखना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी आ जाती है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। पहले भी लोग बीमार होते थे, कोविड से पहले ऐसा तो नहीं है कि सभी जो है वो बिल्कुल हेल्दी थे, और जो बीमार होते हैं कभी बीमारी से, एक्सीडेंट से, मृत्यु तो अक्सर होती रहती है। लेकिन जो मृत्यु का होना एक अलग चीज है, और उसको लेके एक भय का पैदा हो जाना एक अलग चीज है। इस टाइम पे दो तरीके से जो है वो भय उत्पन्न हुआ। एक तो इस बीमारी का जो बहुत ज्यादा छुआछूत की है, अगर एक व्यक्ति को होती है तो पूरे परिवार को हो जाती है। और दूसरी तरफ जो कष्ट है वो इकोनॉमिक कष्ट है। जो भी व्यक्ति स्व व्यवसाय में है, प्राइवेट जॉब्स में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल्स हैं, उन सबकी इनकम स्ट्रीम्स जो है एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आके खड़ी हो गई है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज का डर है कि आगे कहीं उनकी छपनी ना हो जाए, उनकी जो इनकम है उसमें उनकी कंपनियां कटौती ना कर दें, कंपनीज के पास भी रेवेन्यू नहीं है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी पूरी सोसाइटी में इस वक्त आग की तरह फैली हुई है, और विद एवरी पासिंग डे ये कम होने की जगह बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे जो हमारे यहाँ फोन आते हैं, उन व्यक्तियों की जो परेशानियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी परेशानी जिससे वो लड़ रहे होते हैं वो होता है भय अंदर, एंग्जाइटी कि अगले क्षण क्या हो जाएगा, कल का सूरज क्या खबर लेकर आएगा, कहीं वो मुझे या मेरे किसी प्रियजन को कोविड तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो है वो मेरे जो आय के स्रोत है वो तो नहीं एकदम रुक जाएंगे, ऐसा होगा तो क्या करेगा, वैसा होगा तो क्या करेगा। ये सब सोचते 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 वो अपनी साइक को खराब कर लेता है, उसके लिए जीना मुश्किल। इसलिए जब भी आपके दिमाग में इस तरह की परेशानियां आए तो पॉजिटिव सोचिए। जो होना है उसको तो कोई भी जो है आज तक टाल नहीं पाया है। इसी तरह जो मृत्यु है वो भी जो है हमारे बस में होती तो बात ही क्या थी। जो कष्ट है जीवन के वो तो किसी को भी आ सकते हैं, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा सब व्यक्ति उससे जो है परेशान है।
एक रामायण में छपाई आती है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मुनि हो के रही एक कर्म गति टारे न टरी, मुनि विशिष्ट से पंडित ज्ञानी, शोध कर लग्न धरी पर वन में विपदा पड़ी। वन में क्या विपदा पड़ी? वन में जो है वो रावण जो है वो सीता माता को भाग ले गए, तो जो विवाह जो है मुनि विशिष्ट जैसे ज्ञानी ने जो है वो करवाया था, उन्होंने उसकी जो लग्न का समय निर्धारित किया था, सब कुछ किया था, तो भी वो विवाह जो है कितने कष्टों में से गुजरा। कोई भी मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है वो बिना कष्टों के जी जाए ऐसा संभव ही नहीं है। उसके जो कष्टों के लेवल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कुछ के जो कष्टों के लेवल हैं वो कुछ हजारों में होंगे, कुछ के लिए वो लाखों में होंगे, कुछ के लिए वो हजारों करोड़ में होंगे। तो हर व्यक्ति की जो परेशानी है वो डिफरेंट तरह की होगी, घरेलू परेशानी डिफरेंट होगी, प्रोफेशनल परेशानी डिफरेंट होगी, लेकिन होगी जरूर। अगर आप सोचें कि कोई भी व्यक्ति इससे अछूता रह जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए अनायास ही अपने आप को जो है वो तनाव में रखना, कष्ट में रखना आपको कोई लाभ नहीं देने वाला। जब भी इस तरह की आपके दिमाग में चीजें आए तो भविष्य को उज्जवल देखिए, पॉजिटिविटी देखिए, सोचिए कि इस समय में आप क्या कर सकते हैं जो कि आप अदरवाइज लाइफ में नहीं कर सकते थे, क्या बेहतर हो सकता है इसके ऊपर प्लान करिए। ये सब चीजें करेंगे तो आपका जो एंग्जाइटी लेवल है, जो इस समय डर का लेवल है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।